आज ये खिला रहा भाई हमको। अगर तुम अपने सपने साकार करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज करो वो है जागना। अगर तुम जागना कर लोगे सबसे पहले तो तुम लाइफ में हर कुछ कर सकते हो। वह इसलिए कि अगर तुम्हारे मन में कुछ करने का होगा, कुछ मन में करने की ठान ली होगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, वो तुम्हें करना ही होगा। तुम्हारी नींद सुबह सवेरे जल्दी खुल जाएगी और उस चीज़ के लिए तुम भागना चालू कर दोगे कि नहीं वो चीज़ मुझे पानी है। तो ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़ करो जागना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं लिटिल खान स्वागत करता हूँ आपका लिटिल खान एल के ब्लॉग में एक सुहानी सुबह में ताजगी भरे दिन के साथ। तो और भाइयों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? उठ चुके हैं? अभी बज रहा है 7:15, जल्दी उठ चुके हैं आज भाई। आज मतलब नींद सुबह सवेरे से ही खुल गई थी तो मैंने सोचा कि अब ज्यादा ना सोया जाए, सीधा उठा जाए, मुंह धुला जाए, चाय पी जाए। तो ले आए हैं चाय, पी रहे हैं, मुंह भी धुल लिया है। तो चलते हैं, देखते हैं आज जल्दी उठ गए तो सुबह सुबह आज ताजगी वाला एकदम माहौल लग रहा है। तो चलते हैं आज सुबह सवेरे से दिन की शुरुआत करते हैं तन मन धन के साथ, गुड फीलिंग के साथ। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बने रहो लिटिल खान एल के ब्लॉग में, क्योंकि एक ही तो लाइफ है, एंजॉय करो यार। तो चलिए चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं सुहाने मौसम में, सुहानी सुबह में काम करते हैं और आपको एंजॉय कराते हैं। क्या खाना है? सादा पराठा। सादा पराठा? आलू वाला नहीं खाओगे? नहीं। का है? आलू वाला नहीं खाओगे? नहीं। हाँ तो सादा बैठ जाओ, घर पे नंबर लगेगा एक एक से। पहले हम आए तो हमारा पराठा बनेगा, फिर बाद में तुम्हारे किचन के अंदर तो तुम्हारा बनेगा। आलू वाला खा लो। नहीं। खा। नहीं, मैं आलू वाला नहीं खाऊंगी। यहाँ ये पैर रख के बताने की क्या जरूरत है? वैसे बता ले। खा आलू वाला, आलू वाला वाला ना इसको, आलू वाला खाए। खा आलू वाला। क्या क्या बोला? छक्के में ऊपर चला जाएगा। छक्के में ऊपर चला जाएगा, चौके में बाउंड्री। हिंदी में बोला कर, हम लोगों को संस्कृत भाषा नहीं समझ में आती, प्राचीन भाषा। धंधा है अड़ा फड़ी का। अरे हाँ चलो ले, अड़ा फड़ी का। अड़ा फड़ी का मारता क्यों? अरे ले धला दिया, धला दिया, मुंह धला दिया, ये मुंह धला दिया। बताइए होंठ, होंठ बता। नॉन निकाल दिया मुंह से, पहले मुंह से नॉन निकाल दिया मुंह से, मुंह बस बस पर। चल हम खाएंगे, तू नहीं खा, जा तू बाहर जा, जा तू बाहर जा, तू नहीं खाएगा। मैं खाऊंगा, तू नहीं खाएगा। कितना दिमाग खाता है ये, कितना दिमाग खाता। तेरा पराठा नहीं दूंगा मैं, खा जाऊंगा ये। है ये मेरा, आपका नहीं बना, आपका नहीं बना। उठा वो, उठा उठा। हाँ काम किया कर, ऊपर रख। अच्छा आपका पराठा मैं खा जाऊंगा, भाग रहा है ना, चल मैं खा जा रहा हूँ। ये बन रहा बिलाल का पराठा, मैं खा जाऊंगा। खा गया मैं। हम अंदर खाएंगे, हमको गर्मी लग रही है। मैं टमाटर की चटनी खाऊंगा, टमाटर की। आप खाओ दे टमाटर की। मैं टमाटर की चटनी खाऊंगा, टमाटर की। आप खाओ दे। चलो भाई नाश्ता आ गया मेरा और बिलाल का, जे भी हमारा है।
जे हमारा है हाँ। जे किसका है? मेरा। नहीं जे मेले हैं दोनों, आप तो नहीं हैं। आपका नहीं बना, आपने पहले खा लिया। आपका है जे? खाओगे हाँ। तो ठंडा हो जाने तो फिर खाना है। नहीं हुआ अभी, हवा चल रही है, देखो पंखा चल रहा है। आपने? मैंने ऊपर चलाया है। चलो देख लो ठंडा हुआ कि नहीं। हाँ थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया, देखो तोड़ के खाओ। सीधे हाथ से खाना और है बहुत बढ़िया। चलो अपन भी खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। नहा लिया भाई, कपड़े वपड़े सब पहन लिए, आज थोड़ा लुक बनाया हुआ है वह इसलिए। पहले मैं दाढ़ी ट्रिम करने की सोच रहा था, पर मुझे एक रील याद आई रोलेक्स वाली। आपने विक्रम मूवी कई लोगों ने देखी होगी, तो उसके ऊपर एक रोलेक्स का मतलब जो सीन है उस पर बहुत सारी रील बन रही है। तो मुझे भी अपने तरफ से एक रील क्रिएट करने का मन हो रहा है, तो मैं पहले दाढ़ी ट्रिम करने जा रहा था, पर मुझे वो बीच में वो रील याद आ गई, वो सीन याद आ गया। तो मैंने बोला भाई पहले वो रील शूट कर ली जाए, गेटअप भी वैसे ही हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं है। तो लड़कों को बताते हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी दिमाग में चल रहा है वो भी उनको एक्सप्लेन करते हैं, और अगर बढ़िया तरीके से बनती है और बढ़िया तरीके से सूट होती है तो वो रील आपके सामने रखते हैं। हम अभी फिलहाल चलते हैं दुकान, देखते हैं टाइमिंग के हिसाब से रील बनाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। रील बनाने का भाई मूड बना था, पर लड़के ही नहीं आ रहे हैं। साहिल का पता नहीं, वो डेली बाजार चला जा रहा है, नहीं कहीं ना कहीं काम से चला जा रहा है। अब हम तीन हैं, मैं, अनस और अरविंद, तीन लोगों में देखते कौन सी रील मिलती है, कौन सी बनाते। भाई बनानी थी रोलेक्स वाली थी, क्योंकि वो बेस्ट सीन लग रहा था और थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी भी सोच लिया था, पर जब लड़के ही नहीं है तो क्या करें। अब छोटी कोई तीन कैरेक्टर वाली कोई वीडियो बनानी पड़ेगी, तो हम लोग इकट्ठे थोड़ी सलाह मशवरा करके और थोड़ी वीडियो देख के म्यूजिक सुन के उसको अपने आधार से बनाते हैं और फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ए सुहेब, थोड़ी तेज बोले, सुनाएंगे। हो गई? अच्छा मार के देखा, और अगर मार दिया ना भाई, हम लोगों का दिमाग बहुत एक्सट्रीम लेवल का। ट्रैक्टर वहीं रखा है और चाबी भी वहीं रखा है सब ट्रैक्टर ही में, और हम लोग पैदल आ गए भाई। हम लोग चारों पांच लोग पैदल आ गए, फिर जब बागदे में आ गए तो पता चला कि भाई हम ट्रैक्टर ही नहीं लेके आए। हालत खराब भाई, दिमाग मतलब बिल्कुल ब्लास्ट सा हो गया कि चाबी भी लगी हुई है, ट्रैक्टर भी रखा छोड़ यार। फिर बहादुर हो गया, दौड़ते दौड़ते अभी लेके आ रहा वो ट्रैक्टर, फिर रखेगा। तब तक अपन चलते हैं, मुँह हाथ धुलते हो, कहीं चलने का होता है तो देखते हैं। तो कृपया करें ऐसी गलती ना करें कि जिससे आपको दोबारा लौट के जाना पड़ जाए कि भाई हम लोग ट्रैक्टर भूल आए, फिर बहादुर आधी रास्ते से लौट के गया, कह रहे हैं चाबी तो ट्रैक्टर ही में लगी हुई है, भाई ट्रैक्टर नहीं लेके आया, हम लोग सब पैदल आ गए भाई। फिर दौड़ते दौड़ते गया वो भाई, भारी दिक्कत है दादा। तो ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती ना दोहराएं भैया, हम भी याद रखेंगे और सभी को याद दिला के रखेंगे। चलते रहे, गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी आप लिए थे ना, कहाँ है गाड़ी की चाबी? और जी कहाँ है? हाँ दो मामा को दो। कहाँ चलोगे आप भी घूमने? हाँ। नहीं, नहीं। काय से? अरे अरे आगे। तो उधर बैठो, आगे बैठो, आगे बैठो, जा। नहीं जाना भैया, नहीं मना कर रहा। नहीं जाना भैया, जाना है, मना कर रहा है बिलाल भाई। चल भाई घुमा के लाते हैं, मना भी कर रहा है तब भी घुमा के लाते हैं। स्टैंड में सजावट चालू हो गई भाई, नौ दुर्गे चालू होने वाले हैं एक दो दिन में, सारी जगह स्टैंड में सजावट स्टार्ट हो रही है। 26 तारीख से नौ दुर्गे स्टार्ट। क्या खाओगे चलो बताओ? जे खाओगे? और आराम से आराम से आराम। हाँ पहले बता दो क्या खाओगे। हाँ बैठ जाओ सर। हाँ आप बताओ क्या खाओगे? वो खाओगे और नहीं। और कुछ? और ये बोल रहे थे ये खाने का हाँ। वो भी खाओगे? तो खोलेगा, तो खोलेगा। चल मैं ऑर्डर देता हूँ, खाकर नूडल बिलाल ये वाला कर दिया है, ये वाला खाओगे ना?
ठीक है, बाकी ये सब अपन बाद में खाएंगे। मिर्च है लेकिन तुम मिर्च वाला खाते ही नहीं, तो ये वाला है हाका नूडल्स। ठीक है, इसमें मिर्च है, इसमें देखो ये मिर्च बनी हुई है। बिना मिर्च वाला ऑर्डर कर दिया, ठीक है? हाँ मिर्च नहीं है ना उसमें। क्या है उसमें? पता चल गया आपको? गाजर है, प्याज है और नूडल्स है। कैसे खाओगे? खा लोगे? चम्मच खाओगे? कैसे खाओगे? और ये हम भैया हमको नहीं दोगे? थोड़ा सा थोड़ा अच्छा नहीं दे, हम लोगों को नहीं दोगे? हम लोग देखो बैठे हुए, हम लोगों को नहीं दोगे? हैं? देखो हम लोग सब कुर्सी में बैठे हुए हैं, देख रहे थे टेबल पे, इंतजार कर रहे कि कुछ आएगा खाने को। हम लोगों को नहीं दोगे खाने को? थोड़ा अच्छा कितना दोगे? अच्छा बता। बड़ी वाली में दोगे? यहाँ पे रखोगे? और कैसे खाएंगे? चम्मच का? चल भैया चम्मच से ही खा लेंगे। आ रहा है ऑर्डर, बन रहा है, रेडी हो रहा है। कौन सा आ रहा है भैया? भाई पंखा बंद है यहाँ पे, अगरबत्ती वगैरह जल रही है मच्छर वगैरह के लिए, मच्छर बहुत ज्यादा है इधर। ये आ गए भैया, ये आ गए भाई। गाजर ये डली है वो अरविंद भैया लोग की है, मामा लोग की, अनंत मामा लोग की अपनी है। अपन दोनों इसी में खाएंगे, वो दोनों इसी में खाएंगे। थोड़ी और कुर्सी आगे कर लो, गरम होगा, गरम मंगवा दिए ना आप चम्मच। ये वाली खा लो, ये वाली खाओ, वो वाली हमारी है, ये वाली हमारी है, वो जे वाली आप। सवाल पूछ डाली ना, चलो खाओ खाओ चलो। हाँ धीरे धीरे खाओ, चालू हो रहे धीरे धीरे। भैया यही तो है, अब बोल रहा है इसको ये नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए भाई। बोल रहा हमको ये नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए, ये नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए। नहीं यही वाली, यही है, ये वाली डाल दे, ये डाल दे। हाँ हमने डाले भैया मिर्ची, उसमें ना खाएगा वो, ये रेड वाली। चलो खाओ, आज ये खिला रहा भाई हमको, खिलाओ। ठंडी हो रही? हाँ चलो अभी तो यार तू पर पहुंच गई। चल भाई आ गए घर। बिलाल भाई के लिए चिप्स ले लिए थे, वो नूडल्स नहीं खा रहे थे, बोल रहे थे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, गर्म भी है। चल भाई इसको अंदर छोड़ते हैं, थोड़ा मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, चार्ज नहीं है, गेम खेलना है क्योंकि। चलो अब खा लोगे ये कि नहीं खाओगे? खा लोगे? कैसे खाओगे? आज यार दिल बहुत ज़्यादा खुश है भाई, इसलिए कि आपको पता होगा कि नूडल्स खाने गए हुए नीचे। चाइनीज़ खाने गए हुए थे बस स्टैंड, तो वहाँ पे जिनकी दुकान है चाइनीज़ वाली, वो नवीन भैया और एक और अपने सौरभ भैया हैं, उन्होंने आज अपनी जम के तारीफ़ की भाई। तारीफ़ कहेगी कि जो रील अपन इंस्टाग्राम पे बनाते हैं उसका जो शूटिंग वगैरह है, एक्शन वगैरह है और एडिटिंग वगैरह है, उसको देख के भाई उन लोगों ने बोला कि हम तुमको अपने होने की वजह से फॉलो नहीं करते, तुम्हारी वीडियो और तुम्हारा कंटेंट देख के हम तुमको फॉलो करते हैं। तो ऐसे मतलब एक दिन तुम देखना तुम्हारी अचानक से वीडियो वायरल हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो भाई मतलब इतना मोटिवेशन और इतनी अपनी तारीफ़ सुन के ना इतना गजब लगा भाई कि मन बिल्कुल तृप्त हो गया, बिल्कुल ऐसा लगा कि सातों आसमान की खुशी मिल गई और मेरी जो मेहनत थी वो रंग ला रही है और एक दिन वो कामयाब होगी ज़रूर। तो ऐसे ही ब्लॉग पे भी मेहनत जारी है और ऐसे
रील पे भी मेहनत जारी रहेगी। तो चलते हैं पानी भरते हैं और चल के फिर खाना खाते हैं और ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे कल नए फ्रेश तर ताज़ा वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। बने रहिए ऐसे ही लिटिल खानेल के ब्लॉग को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए और बेहतर कॉन्टेंट आ सके और आपका मनोरंजन हो सके। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।